everyone, how are you all? Welcome back in my class. This is Tripti Khare, your SST teacher. As we are coming to complete our chapter of social studies, so in the last lecture also I have explained in the video. So again I am explaining you before starting the chapter. In history, 12 chapter have divided, and social studies and the 3 part have divided, first history, geography and the civics. So first history, 12 chapter, 1 to 12 chapter, okay, 1 to 12 chapter, okay, given. And the 13 to 22 chapters of given geography, okay, and 23 to 31 chapter have given civics, okay. So as we have completed our 2 chapter of history, है ना, एंड द 1 चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड द 1 चैप्टर ऑफ सिविक्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, ओके, मींस 24th नंबर ऑफ चैप्टर, ओके. सो इट इज अ सिविक्स पोर्शन, चैप्टर नंबर 24th, वन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट 23rd नंबर ऑफ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना, यू कैन सी इन द यूट्यूब. एंड सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर क्लास, ओके. सो in the civics, your second chapter, it means 24 number of chapter have given the civics portion, which name is prejudice, discrimination and inequality, okay. So prejudice, discrimination and inequality. In the last chapter we have read about the understanding diversity, hai na? So the base of that chapter also is this prejudice, discrimination and the inequality. Prejudice means पक्षपात, जो हम किसी के साथ इनइक्वली बिहेव करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, है ना. एंड द इनइक्वलिटी, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हम किसी के साथ जब बराबरी का बिहेव नहीं करते या हमारे साथ जब बराबरी का बिहेव नहीं होता, वहाँ इनइक्वलिटीज होती हैं, है ना. सो दैट थिंग्स वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर. सो टॉपिक ऑल्सो हैव गिवन हियर. सो इन द सेम मैनर आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द चैप्टर्स, ओके. सो in your book, page number 181 have given 24th number of chapter, okay, of civics, prejudice, discrimination and the inequality, okay. So in the last chapter we read about the diversity in India. So we learned that each one of us is unique and with specific quality that make you different from another, है ना. डाइवर्सिटी क्या होती है, हमें बनाती है ना, जब किसी से डिफरेंट दिखते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है. दीज डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी थॉट वी नो डाइवर्सिटी एंड रिच द कल्चर ऑफ कंट्री समटाइम वी फ्रॉम सर्टन एटीट्यूड्स एंड द ओपिनियन दैट आर कॉज ऑफ कंसर्न, है ना. कुछ टाइम क्या हो जाता है, समटाइम कल्चर जो क्लाइमेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटीज हो जाती है. जैसे किसी स्टेट का क्लाइमेट अलग है तो क्लाइमेट वाइज डिवाइड है, उनके अकॉर्डिंग उनका कल्चर भी डिवाइड है, है ना. सो ये भी डिस्क्रिमिनेशन का क्या है, एक पार्ट है. सो नाउ सेकेंड पॉइंट हैव गिवन डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रेजुडाइज, ओके. सो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड द जियोग्राफिकल फैक्टर. एज आई टोल्ड यू, जियोग्राफिकल फैक्टर है ना, जियोग्राफिकल फैक्टर इट मीन्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिवाइड है, ओके. उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या है, डाइवर्सिटीज है वहाँ पे, डिफरेंसेस है वहाँ पे, है ना. देन हाउ एवर डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज अप्रिसिएटेड, often we find people being discriminated against on the basis of their skin color, race, caste, reason, religion, language and the gender, hai na. discrimination kya hota hai, discriminate hota hai kin ki cheezon se, kin cheezon ke base par hota hai, caste ke base par hota hai, religion ke base par hota hai, hai na, skin color inke base par hota hai. bolte hain hum iska, kisi ka color fair hai, kisi ka dull hai, to wo dono kya hote hai, ek dusre se अलग दिखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर, है ना. कुछ पीपल्स जो होते हैं उनकी कास्ट अलग होती है, हमारी कास्ट अलग होती है, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है. लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, है ना. एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सच डिस्टिंक्शंस दैट ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पीपल अनफेयरली, बिहेव टू देम अनफेयरली, है ना. जब हम किसी पीपल्स के साथ, नंबर ऑफ ग्रुप पीपल्स हो गए, है ना, और पर्सन्स हो गए, जब उनके साथ हम अनफेयरली बिहेव करते हैं, है ना, वहाँ क्या होती है, इनइक्वलिटीज होती हैं, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओके. डिस्क्रिमिनेशन एमर्ज ड्यू टू प्रेजुडाइज एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स अमंग पीपल एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग, है ना. स्टेरियोटाइप होता है, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ एमर्ज होता है, वहाँ ज़्यादा स्प्रेड होता है, फैलता वहाँ है जहाँ पे स्टेरियोटाइपिंग होती है. स्टेरियोटाइप मीन्स जहाँ पे जो पीपल्स की थिंकिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग होता है उनका, वो ऑलरेडी क्या होता है, रूड होता है, मतलब और भी पुराना होता है. जनरली हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की,
है ना, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, तो सबके थिंकिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, हमारे पेरेंट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और हम जिस एटमोसफेयर में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारे टाइम जो हमारी थिंकिंग है वो हमारी थिंकिंग उन लोगों की थिंकिंग से क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो ये होती है स्टैटोटाइप। आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था कि पीपल्स बोलते थे कि जो बॉय है ना, गर्ल है, तो इनमें डिफरेंसेस होते थे कि गर्ल बेबी हो गया या बॉय बेबी हो गया, है ना। इनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, स्टेरोटाइपिंग होती थी कि नहीं बॉय है तो वही आगे पढ़ेगा, है ना, गर्ल है तो नहीं पढ़ेगी। तो ये क्या होती है, वे ऑफ थिंकिंग जो पीपल्स की होती है, इसको बोलते हैं स्टेरोटाइप। ओके, तो जो प्रेजुडाइज होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो स्प्रेड होता है प्रेजुडाइज से, मतलब पक्षपात से, भेदभाव से, है ना। और क्या होता है, स्टेरोटाइप से जब पीपल की जो थिंकिंग है वो क्या होती है, रूट होती है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रेजुडाइज। ओके, सो प्रेजुडाइज इज अ अनरीजनेबल ओपिनियन अबाउट अ पर्सन विच इज फॉर्म्ड विदाउट मच थॉट ऑफ नॉलेज। वो क्या है, प्रेजुडाइज क्या है, एक थिंकिंग है, अनरीजनेबल थिंकिंग है, मतलब बिना किसी कारण के हम किसी चीज के बारे में थिंकिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं बिना किसी रीजन के, है ना, बिना किसी फैक्ट के। ठीक है, किसी पीपल के बारे में, किसी पीपल के बारे में हमें क्या, हमने अपनी क्या बना ली, ओपिनियन बना ली, अनफेयरली ओपिनियन बना ली, है ना। समथिंग कि हमें कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, कोई फैक्चुअल नहीं है हमारे पास, है ना, हमारे पास किसी भी पर्सन की कोई भी नॉलेज नहीं है, बट वी हैव द थिंकिंग अनफेयरली टू दैट, है ना। उनके लिए हमारे लिए क्या है, हमारे पास अनफेयरली थिंकिंग है, मतलब हमारी थिंकिंग उनके लिए फेयर नहीं है, अच्छी नहीं है, दैट इज प्रेजुडाइज। वो क्या होता है, प्रेजुडाइज होता है। ठीक है, अनफेयरली ओपिनियन होना किसी पर्सन के लिए। ओके, इट इज बेस्ड ऑन फॉल्स ओपिनियन एंड बिलीव दैट एग्जिस्ट इन पीपल्स माइंड, है ना। कोई गलत ओपिनियन किसी के लिए बना के रख लेते हैं जो पीपल्स, वो प्रेजुडाइज होता है। प्रेजुडाइज रिजल्ट इज डिसलाइक और अनफेयर बिहेव टुवर्ड अदर्स बेस्ड ऑन सच ओपिनियन। इट लिमिट्स ऑफ थिंकिंग एंड कॉज डिसहार्मनी अमंग द पीपल। ठीक है, वो क्या फैलाती है, इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में पीपल्स के बीच में क्या होता है कि हम सब साथ में रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स हमारे यहाँ सोसाइटी में ज्यादा होते हैं, हम जब रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, काफी घर होते हैं, रिलीजन अलग होता है, कास्ट अलग होती है। बट इस थिंकिंग में जब किसी के पास फॉल्स थिंकिंग होती है, अनफेयरली थिंकिंग होती है किसी पीपल के बारे में, और हम किसी से डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब हार्मनी फैलती है ना। अनहार्मनी मीन्स किसी के लिए भी गलत ओपिनियन बना के उसके बारे में गलत बातों को फैलाना, है ना। अंडरस्टूड। When we are prejudiced, we do not give people to respect that all human beings deserve that are entitled to. Okay, people's के पास अपनी क्या होती है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। और जब हम ये प्रेजुडाइज को फॉलो करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या होती है, किसी भी पीपल्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, है ना। बल्कि हर पर्सन जो होता है, एवरी पर्सन नीड टू देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड होती है, जरूरी होती है, और हर पर्सन को जो हमें देना चाहिए, वी शुड गिव टू रिस्पेक्ट टू ऑल द पर्सन हु बिलोंग्स टू अवर सोसाइटी और अनदर सोसाइटी, है ना। So we must learn to accept the embrace diversity to reduce prejudice in the society. So हमें इसके बारे में पढ़ना है कि हम किस तरीके से अपने प्रेजुडाइज को अपनी सोसाइटी से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, वी कैन ओवरकम प्रेजुडाइज बाय अंडरस्टैंडिंग पीपल बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट दैम, है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंकिंग के बारे में क्या करना है, उसके बारे में बताना है, और language and religion and being tolerant can help overcome prejudice. Most important, we must treat people to way we would like to ourselves to be treated. हमें people सब वैसे ही treat करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि other people हमारे साथ क्या करें, treat करें. Okay, so here what is prejudice, understand what is prejudice, है ना। किसी भी people के लिए unfairly behave करना, when we behave to people unfairly, okay, that false opinion we keep in our mind, that is called the prejudice. Okay, then here I have given in your book analytical skills, है ना। So here I have given one passage which we have shown to the example of prejudice, है ना। So you have to read in your book, whenever you will read the chapter, that portion, that skill you must have to read. Okay, I'm not explaining, it is only an example. Okay, now सेकेंड इज क्रिएटिंग स्टेरोटाइप। मैंने आपको बताया ना स्टेरोटाइप क्या होता है, सो क्रिएटिंग, हम किस तरीके से स्टेरोटाइप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हियर हैव गिवन वन एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग दैट। रीना वॉज रीडिंग अ बुक वैन हर यंगर ब्रदर
Mohit came to her crying. She asked him to reason. Okay, so he told her, I was cycling in the park when the chain of my bicycle came off. So Rina asked, is that all? Okay, so she went out and she bent down and fixed the bicycle. A group of Mohit's friends who were standing nearby started laughing. One of them shouted, you can't fix that. You are a girl. Fixing thing is a man job. क्या समझे आप इसे? रीना थी, when she was reading a book, तो उसका छोटा भाई जो था, younger brother, came and said, and he was crying in front of the Reena, ठीक है? And said, कि मैं जब cycling कर रहा था, तो मेरी cycle की जो chain थी, वो क्या हो गई? Off हो गई, ठीक है? So, रीना ने बोला, that is all, मतलब, is that all? It, नहीं बस, वो क्या की? She stand and go, went out, और उसने क्या किया? चेन को पुल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसको ऑफ करना मतलब चढ़ाना स्टार्ट कर दिया. सो व्हेन मोहित्स फ्रेंड वर स्टैंडिंग देयर ना नियर बाय, सो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर सेइंग, कि ये गर्ल का काम नहीं होता है ना, ये क्या है, बॉयज का काम है, इट्स अ बॉयज जॉब नॉट ऑफ गर्ल्स, सो डोंट डू दैट, है ना. तो इससे क्या समझ में आता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरियोटाइप दैट एग्जिस्ट अमंग द पीपल एंड द सोसाइटी. इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्टेरियोटाइप. मींस जो मोहित के फ्रेंड्स थे उनके माइंड में स्टेरियोटाइपिंग थी, मतलब स्टेरियोटाइप था, एक थिंकिंग थी कि जो गर्ल्स हैं वो बाइसिकल की चेन क्या नहीं कर सकती, पुल नहीं कर सकती, उसको नहीं फिक्स कर सकती, है ना, ऐसी थिंकिंग थी उनकी. तो ये क्या स्टेरियोटाइप है, व्हेन वी कीप ऑन आवर माइंड इन आवर माइंड कि ये जो काम है, ये जो वर्क है, वो क्या है, सिर्फ बॉयज का या गर्ल्स का है, या जेंडर से रिलेटेड है या कास्ट से रिलेटेड है, तो ये क्या होती है, स्टेरियोटाइपिंग होती है. ओके, अ स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट समवन और समथिंग व्हिच इज ऑफन और नॉट ट्रू, है ना. हम क्या कर लेते हैं, जो जनरली पीपल्स के बारे में सही नहीं होता, लेकिन अपने माइंड में एक थिंकिंग रख लेते कि हाँ ये गलत है, ये होता ही नहीं था, है ना. In many ways, it is like a prejudice and result in the people discrimination against other people group communities. है ना, इससे क्या होता है, prejudice को और भी spread करने को मिलता है, और भी spread हो जाती है prejudice, मतलब और भी हमारे अंदर discrimination आ जाता है peoples के बीच में, other communities के बीच में, other religions के बीच में, है ना. So here I have explained the creating stereotype. Understood what I said, कि कैसे create होती stereotype, किस तरीके की thinking हम अपने mind में रखते हैं. ओके, नाउ हियर डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनइक्वलिटीज. ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनइक्वलिटीज. सो वी नो दैट प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप्स लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनाय ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल. हम जानते हैं कि जो प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप होता है वो डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, लीड करता है ना. प्रेजुडाइज से ही और स्टेरियोटाइप से ही क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन लीड होता है. इससे ही हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव और क्या होता है, स्प्रेड होता है. ओके, तो इससे क्या होता है, जो पीपल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो डिनाई हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है. इसमें पीपल्स क्या ही होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, एज आई टोल्ड यू, रीजन, जेंडर, है ना. So discrimination create condition where people are denied the right to lead a dignified people life. ठीक है, वो discrimination कहाँ पे create होता है सबसे ज्यादा, जहाँ वहाँ के peoples क्या कर देते हैं, deny कर देते हैं, मना कर देते हैं, accept नहीं करते किस right को, कि जो हम हैं, हमारी जो self respect है, मतलब जो हम people's life वो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं लोगों के बीच में, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, डिफरेंट कास्ट के बीच में, है ना. तो वहाँ जब पीपल इस चीज़ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाता है, तो वहाँ पे स्टेरियोटाइपिंग क्या हो जाती है, और भी फैल जाती है. डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है, और भी फैल जाता है. ओके, पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, है ना. वेल्थ के अकॉर्डिंग भी होता है. वेल्थ के अकॉर्डिंग कैसे होता है, सम पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड द अदर थिंग्स, है ना, क्लोथिंग एंड द फेस डिस्क्रिमिनेशन, है ना. कुछ पीपल्स की क्या होती है, वेल्थ मीन्स उनकी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, दैट वॉज नॉट टू गुड, है ना. तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं होती. इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में, कास्ट में, रिलीजन्स में क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है, फैल जाता है. हम देखते हैं हमारे पास सोसाइटीज में होती है, हमारी फैमिलीज में होती है, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रांग, है ना. तो वो क्या होता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते. तो इसके कारण इस बीच में क्या होता है, इससे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, स्प्रेड होता है, और भी क्रिएट होता है और फैलता है. ओके, सो
they do not get respect and treated badly because they are poor, है ना। तो हम क्या करते हैं सोसाइटी में उनके साथ poorly बिहेव करते हैं, मतलब अनफेयरली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं पुअर होते हैं। ओके, सो सम रिलीजन ग्रुप सर्टेन रिलीजन एंड द ट्राइबल्स एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो इससे क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है कुछ रिलीजन में, कास्ट में, है ना, सोसाइटीज में। सो डिस्क्रिमिनेशन लीड टू अ बैकवर्डनेस ऑफ द सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एंड हार्म्स द पीपल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो हमारी प्रोग्रेस है, कंट्री की प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है अफेक्टेड होती है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आएगा तो पीपल क्या करते हैं दे आर टू अफेयर टू फेस टू एनी वन, है ना। वो क्या करते हैं बहुत ज्यादा अफेयर होते हैं, डरते हैं किसी भी चीज को फेस करने से, आगे बढ़ने से। तो हमारी जो कंट्री की प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं वो क्या होती है अफेक्टेड होती है। ओके, सो यार अगेन हैव गिवन एनालिटिकल स्किल वन पैसेज हैव गिवन, सो ये सो यू मस्ट रीड इट, ओके, व्हेनेवर यू विल रीड द चैप्टर। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनइक्वलिटीज। ओके, सो discrimination and the inequalities that I have explained you. Now I have to read multiple identities. Okay, na? Multiple identities. Here, prejudice and stereotype ultimately have an effect on human relationship. है ना, प्रेजुडाइज होता है और स्टेटोटाइप होता है ना। प्रेजुडाइज और स्टेटोटाइप्स क्या होती हैं, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे क्या होती है बेस होती है, मतलब हमारा जो रिलेशंस है ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन बीइंग्स में, तो रिलेशन पे इफेक्टेड होती है। जनरली जब अगर हम पीपल से मिलेंगे तभी हमारे मन में उनके लिए क्या होगा किसी टाइप की थिंकिंग होगी, है ना। जब हम किसी से मिलेंगे नहीं तो कोई थिंकिंग नहीं होती। तो जब हमारा रिलेशन किसी पीपल्स के साथ होते हैं, मतलब सोसाइटी में होते हैं, तभी क्या होता है ये क्रिएट होता है। ओके, प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप्स, सो दे पोज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकॉज पीपल लुक एट अदर एंड थिंक दैट दे पोसेस ओनली वन आइडेंटिटी, है ना। क्या करते हैं ऐसे में पीपल्स के बीच में क्या होता है कि हमारे माइंड में एक थिंकिंग आ जाती है कि जो सामने वाले पर्सन है या अदर पर्सन है वो हमारे बारे में एक जैसी आइडेंटिटी ही रखते हैं, एक थिंकिंग ही रखते हैं। ओके, सो हाउ एवर वी ऑल द पर्सन मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड देयर फॉर शुड बी जज अकॉर्डिंगली, है ना। हमें किसी एक थिंकिंग को लेके किसी भी पीपल को जज नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे पास थिंकिंग, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है, एक पर्सन में डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, तो हम एक क्वालिटीज के बेस पर पीपल को जज नहीं कर सकते, है ना। सो अंडरस्टैंड दिस बेटर, आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आप खुद से भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछोगे हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, तो सिंपल एक आंसर नहीं मिलता है ना। हमारी स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। तो सेम वी हैव टू बिहेव, सेम वी हैव टू कीप द थिंकिंग ऑन अवर माइंड टू अदर पीपल्स ऑल्सो, है ना। सो अवर आइडेंटिटीज आर इन्फ्लुएंस दैट शेप्ड बाय द मैनी फैक्टर्स, है ना। और हमारी आइडेंटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से बनती है, शेप लेती है ना। कल्चरल एक्टिविटीज में कुछ पीपल्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की आइडेंटिटीज मिलती है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पीपल वी इंटरेक्ट विद, है ना। अगर हम किसी पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग बनती है। एज आई एम टॉकिंग टू यू इन द वीडियो, है ना, तो मेरी एक थिंकिंग अलग बनी है आपके माइंड में। बट वेन वी टॉक फेस टू फेस, वैन स्कूल वे ओपन, दैट टाइम योर थिंकिंग विल बी चेंज। फिर आपकी थिंकिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी फॉर द टीचर और फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, है ना। हम जनरली ऐसी बात करेंगे, थिंकिंग डेफिनेटली कुछ और बनेगी, लेकिन वैन वी टॉक फेस टू फेस देन वी विल थिंक डिफरेंटली अबाउट द पर्सन, है ना। सो इसमें क्या होता है पीपल्स की क्या होती है थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट बन जाती है, है ना। एट होम यू आर द एल्डेस्ट child, you are the sister, brother or the siblings, at school you are a helpful classmate, you are a good singer or so on, है ना। so different different thinking से siblings के according, हम किसी के cousins है, siblings हैं, है ना, तो उसके according हमारी thinking अलग है। sister जो हमारे sister है या brother है उसके according हमारी thinking अलग है ना। और friends के according हमारे लिए thinking friends की अलग है। तो ये अलग अलग identities से क्या होती है spread होती है, मतलब इफेक्ट होती है ह्यूमन रिलेशनशिप से, ठीक है। प्रेजुडाइज एंड द स्टेरियोटाइप्स। ओके, नाउ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडिया। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, कास्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सो लिसन, यू हैव रीड अबाउट योर हाउ योर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू फोर मेन कास्ट इन द एंशिएंट इंडिया, है ना। लास्ट टाइम में, मतलब
जो पास्ट था हमारा एंशियंट पीरियड था उसमें क्या हुआ था, कास्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना. सो दैट डिवीजन ओनली इज कमिंग टू नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन और उसके ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग भी, है ना. जिनका ऑक्यूपेशंस होता है, किसी का बिजनेस होता है, किसी की सर्विसेज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या था, डिवीजंस था. ठीक है. सो द फर्स्ट 3 कास्ट वर सपोज्ड टू बी द हाई बॉर्न कास्ट, है ना. जो फर्स्ट 3 कास्ट थी, जो 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ था, है ना, 4 टाइप्स में क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था यहाँ पे 1, 2, 3, 4. तो ये जो 3 फर्स्ट 3 थी वो क्या होती थी, हाई क्लास मानी जाती थी. ओके. उनको हाई क्लास डिविजन्स में रखा हुआ था. बिकॉज ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जिन तरीके से उनके फंक्शन होते थे, मतलब कुछ बिजनेस मैन होते होंगे, है ना, कुछ रिलीजन से रिलेटेड जो होते थे, जैसे वर्शिप्स वगैरह कराते थे, पंडित्स होते थे, है ना, सर्विसेज करते थे, बिजनेस करते थे, तो उनको हाई क्लास में रखा गया था, कास्ट में रखा गया था, है ना. परफॉर्म्ड एंड द नंबर ऑफ द फोर्थ कास्ट वर पुअर, मतलब जो फोर्थ कास्ट के थे वो पुअर कास्ट में रखे गए थे. ठीक है. बिकॉज दे परफॉर्म्ड माइनर टास्क एंड सर्व द अदर 3 कास्ट, है ना, क्योंकि वो क्या करते थे, मैन्युअल थे. इट मींस की मैन्युअल मींस सर्वेंट. ओके ना, सर्वेंट. जो सर्वेंट्स होते हैं, जैसे काम सर्वेंट्स करते हैं हमारे यहाँ, सेम. तो फोर्थ कास्ट में जो रखा गया था उनको सर्वेंट्स रखा गया था. ठीक है. वो जो सर्वेंट्स होते थे वो 3 कास्ट, जो अपर कास्ट कहलाती थी, होती थी, उनको सर्व करते थे. कोई भी उनका थिंग हो गया, जो कोई भी फैसिलिटीज थी वो इनको सर्व करते थे, उन तक पहुंचाते थे. तो अपर जो 3 कास्ट थे वो हाई कास्ट में थी और जो लास्ट की 4th वन थी वो सर्वेंट्स, ठीक है, मैनुअल में थे. ओके. सो इन दिस मैनर इन द एंशिएंट इंडिया ओनली कास्ट हैव डिवाइडेड, है ना. सो वी आर फॉलोइंग दैट डिविजन ओनली. अ पर्सन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट कुड नॉट चेंज हिज जॉब. ठीक है. क्या होता था कि जो अगर पर्सन जो है किसी ने बर्थ लिया है, बॉर्न हुआ है, तो जो पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है वो क्या कर सकता था, पर्टिकुलर कास्ट को ही फॉलो करेगा, किसी डिफरेंट कास्ट को फॉलो नहीं कर सकता, है ना. जॉब हो गया, चेंज जॉब हो गई किसी भी चीज की, हम बोलते हैं कि जो हमारे फादर जनरली जिस जॉब को करते आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसी जॉब को फॉलो करते हैं, हम अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते थे, है. सो With time, this division, the society based on the caste system become more rigid. उस टाइम पे जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा rigid था. Rigid means बहुत ही tough था, है ना? So the lower caste called the Dalits. ठीक है. तो उस टाइम पर जो ये बना, मतलब rigid बन गया, तो जो lower caste के थे उनको क्या बोलते थे, हम Dalits बोलते थे. ठीक है. दलित्स के नेम से जानते थे. वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, मतलब उनको ट्रीट किया जाता था अनटचेबल. इट मीन्स अगर वो सर्वेंट है तो हम उनको टच नहीं कर सकते, है ना. तो हम उनके साथ ट्रीट कैसा करते थे, अनटचेबल. वी ट्रीट टू देम अनटचेबल. ओके. बिकॉज दे परफॉर्म्ड मैनुअल, बिकॉज दे परफॉर्म्ड एज अ सर्वेंट, है ना, इसलिए. सो दे वर असाइंड माइनर वर्क एंड द वर कंसिडर्ड एज आउटकास्ट. दे वर डिनाइड अपॉर्चुनिटी टू इन द एजुकेशन एंड द वर्क एंड could not use the same public facilities such as the well or a school frequented by the upper caste peoples. तो उन्होंने क्या करना start कर दिया, servants जो manual थे, ठीक है, servants थे, manual caste को perform करते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, they totally denied to the opportunity which given by the peoples, है ना. जो peoples opportunities देते थे उनको वो deny कर देते थे, मतलब लेते नहीं थे. क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, किस 4th number caste, मतलब कि servant जो manual caste थी, है ना, उसको क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, फॉलो करते थे. इसलिए उन्होंने स्कूल्स वगैरह में परफॉर्म करना छोड़ दिया, अटेंड करना छोड़ दिया, क्योंकि वो 3 अपर जो कास्ट थी उनके लिए रहता था, दलित्स के लिए नहीं होता था, है ना. सो इसलिए उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर दिया, छोड़ दिया. ओके. सो द हायर कास्ट वुड नॉट इंटरेक्ट विद देम, इट वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस विच लेफ्ट इट अगली मार्क ऑन द इंडिया. ठीक है. टुडे पीपल हु बिलोंग टू दिस कास्ट आर नोन एज अ शेड्यूल कास्ट. जो पीपल्स अभी एट द प्रेजेंट टाइम जो पीपल्स इस कास्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको हम शेड्यूल कास्ट के पीपल्स को बोलते हैं. शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना, हमारे डिवीजन होता है ना, जनरल होता है ना, ओबीसी होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है. जो शेड्यूल कास्ट के पीपल होते हैं वो उन्हीं उसमें इसको फॉलो करते हैं, 4th नंबर ऑफ कास्ट को, है ना. तो हम बोलते हैं अनटचेबल्स की फॉलो करते हैं, अनटचेबिलिटीज को, कि आएंगे तो हम उसको टच नहीं करेंगे,
है ना, घर के बाहर रखेंगे, है ना, वो अंदर नहीं आ सकते, सेम यूटेंसिल्स यूज नहीं कर सकते, क्लोथिंग वगैरह यूज नहीं कर सकते, उनके लिए अलग मार्केट होता है। इट मीन्स कि जो मार्केट फुटपाथ पे वगैरह होते हैं, कुछ पीपल्स तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, शॉप्स में एंटर होने नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जनरली कहीं कहीं होता है ना। तो इसको क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, है ना। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर हम ऐसा बिहेव करें तो ये इनह्यूमिनिटीज़ है, मतलब हमारे अंदर क्या है, इनह्यूमिनिटीज़, मतलब हम इस तरीके का बिहेव वी शुड नॉट टू behave them, है ना। Now the last one point have given 184 page number have given Dr. Bhimrao Ambedkar and the first and the fight against caste discrimination। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने fight की थी discrimination के against। तो how they fight and how they have done this type of activity, so we will read in this chapter, in this para, okay? So the main pioneer, it means the leader, okay, against caste oppressing in the India was Dr. Bhimrao Ambedkar, okay, also known as Baba Saheb, okay? जो ये main थे, leader थे, ठीक है, caste मतलब जो इन्हें इसको discrimination को हटाया है, तो उसके ये मेन लीडर थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहेब के नेम से भी जानते थे, ओके। इनका बर्थ 1891 में हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, 1956 में, ओके। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिमसेल्फ बिलोंग टू अ पुअर लो कास्ट फैमिली, ठीक है, ये भी क्या करते थे, पुअर लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, ओके, एंड हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबिलिटी, ही सफर्ड फ्रॉम द सेम इल ट्रीटमेंट दैट वॉज मेटेड आउट ऑफ द लोअर कास्ट एज अ चाइल्ड, ठीक है। तो वो अनटचेबिलिटीज को उन्होंने क्या किया, बहुत फेस किया था, ठीक है, कुछ पीपल्स थे जो उनके साथ अनफेयरली बिहेव करते थे, है ना, कास्ट से रिलेटेड बहुत ही इनके साथ अनफेयरली बिहेवियर हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे ये, इस कास्ट को, लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने इस तक चीजों को फेस किया। ऑल थ्रू ही वॉज एबल टू अटेंड द स्कूल, ठीक है, पर वो क्या थे, एबल थे स्कूल अटेंड करने के, ही हैड अ सीट सेपरेटली एंड वॉज नॉट अलाउड टू मिंगल विद अदर्स, उनको क्या करते थे, स्कूल्स में बिल्कुल अलग ही बैठाया जाता था, है ना। एट प्रेजेंट टाइम वन सीरियल आल्सो इज कमिंग, भीमराव अंबेडकर, है ना, सो दैट इन दैट सीरियल आल्सो हैव शोन टू मच अनटचेबिलिटी विच एवर बिहेव विद देम, दैट आल्सो हैव शोन, है ना, सो अलाउड टू मिंगल विद अदर, मतलब किसी के साथ बैठने को नहीं दिया जाता था, है ना, जो पानी वो पीते थे उनको वो पानी पीने नहीं दिया जाता था, है ना, उनकी बुक्स अलग हुआ करती थी, टच नहीं किया जाता था उनको, सो दीज ऑल थिंग्स दे हैड फेस ऑन दैट टाइम। सो ही फाउट अगेंस्ट ऑल प्रेजुडाइज एंड फाउट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबिलिटीज, है ना, फिर उन्होंने क्या की, फाइट की इसके अगेंस्ट, अनटचेबिलिटीज के अगेंस्ट, है ना, और क्या किया, राइट्स, अनटचेबिलिटीज को हटाने का जो राइट होता है, मतलब हमें भी इससे निकलना है, इसका राइट उन्होंने क्या किया, गेन किया। He lead active movements against untouchabilities. उन्होंने एक बहुत ही लीडर, एज अ लीडर उसको क्या किया, untouchabilities को हटाया। When India got independence in 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, so Dr. Bhimrao Ambedkar was made a chairman of the drafting committee. ठीक है, तब उनको क्या किया गया था, चेयरमैन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ओके, विच वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कमेटी में बताया गया था, इनको चेयरमैन बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला गया था कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स बनेंगे इसके अगेंस्ट, मतलब अनटचेबिलिटीज नहीं होंगी, वो इनके ही अंडर में, इनके ही लीडरशिप में होंगे। अंडरस्टूड। एंड एट द लास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी डाइवर्सिटी, मतलब और डाइवर्सिटीज क्या क्या थी, ओके। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलिटी फॉर ऑल द इंडियंस, है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियंस है, क्योंकि हमारे में पीपल्स को कास्ट वाइज नहीं वो करते, प्रेजेंट करते, है ना, वी ऑल आर द इंडियंस, तो इंडियंस को इक्वली राइट्स क्या दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। द प्रिबल, ठीक है, प्रिबल्स मींस की इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन था, विच फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर्स इज टू प्रोवाइड जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटी, है ना, उसमें क्या गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, प्रेजेंट किया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, पीपल से बताया गया, तो उसमें बताया गया था कि सभी पीपल्स को क्या होगा, इक्वल जस्टिस,
इक्वालिटी, लिबर्टी एंड द फर्टर्निटी, है ना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया कि जो पीपल्स हैं, इंडियन पीपल्स हैं, है ना, उनको इक्वली उनके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, उनको पूरी तरीके से क्या बोले इंडिपेंडेंस मिलेगी, है ना। इंडिपेंडेंस मतलब हमें कहीं भी आने जाने की क्या होती है, इंडिपेंडेंस मिलती है ना, कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। फर्टर्निटी मिलती है, इट मीन्स कि किसी भी टाइप की हमें जो कास्ट होती है, ऐसा नहीं कि कास्ट वाइज को वो कर दिया जाता है कि इस कास्ट के पीपल्स वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे स्टेट के पीपल्स वहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो हमको इस चीज़ की भी क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो दीज ऑल राइट्स ग्रांटेड टू ऑल इंडियंस अब्लॉश अनटचेबिलिटी एंड द प्रोबिट इट्स प्रैक्टिस इन मैनी फॉर्म्स, है ना। तो अनटचेबिलिटीज में आते हैं जो फ्लॉरिश हो रहे हैं और भी फैल रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या मिला है, राइट्स मिले हैं पीपल्स को कि इसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट कोई भी वो एक्शन नहीं ले सकता, है ना। ये ऑलरेडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है कि हमें इंडिपेंडेंस मिली है, कि हम इसके कहीं भी हमें मतलब जस्टिस मिलती है, इक्वलिटीज मिलती है, है ना, सब चीज़ के हमें राइट्स प्रोवाइड हों। The Constitution also states that no person can be discriminated against on the basis of caste, color, region and the language, है ना। Constitution में specially mention है कि किसी भी peoples के साथ unfairly behave नहीं किया जा सकता, है ना, basis on religion and the caste, gender, है ना। तो इसके साथ untouchability, discrimination नहीं किया जा सकता। अगर ये किया जाता है तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, कोई भी action ले सकते हैं। We have to write to take the against the action, and we have to write to take action against that. All people are equal in the eyes on the law, ठीक है। सभी peoples क्या है, जो law है हमारा, कानून है, है ना, उस law के नजर में सभी equal हैं, okay? Although this provision and the constitution aim fulfill the dreams of freedom fighters who lead the struggle for the freedom of our country, है ना। तो ये जो हमारे जो freedom fighters थे, जिन्होंने हमें क्या किया है, इंडिया को free करने में, है ना, फ्रीडम दिलाने में बहुत ही स्ट्रगल किया है, सबको लीड करते हुए हमें क्या मिले हुए हैं, राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंट इंडिया स्टिल विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन फिर भी अभी हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ओके, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ईच वन ऑफ द अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द टेक स्टेप्स टू एम्बरेस diversity for the peaceful path to progress, ठीक है। जो हमारी जो ये हमारी ऊपर है, ये हमारी responsibilities बनती है every Indian citizens की, कि जहाँ भी discrimination होता है इसके against हम बोल सकते हैं, और हम भी discrimination को क्या करें, रिड्यूस करें, है ना। और जो हमारी प्रोग्रेस है, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो here your chapter also have completed. I have explained, once I'm telling you, I have explained fully chapter about the prejudice, discrimination and the inequalities. Okay, so this I have already explained. Here your chapter have completed. So at the last I'm telling you, this chapter, it is a second chapter of civics, it means 24th number of chapter. You have to mention in the copy 24th only. That understanding diversity 23 number of chapter, I had written one chapter, so that you have to correct. Okay, in the place of 20, one chapter of civics, you have to mention 23 number of chapter. Okay, na? And understanding diversity chapter name you have to mention. Same here, second chapter of civics, 24th, prejudice, discrimination and the inequalities. Okay, so same manner you have to mention in the fair copies. Okay, so here I have explained fully chapter to you. If you are having any problem, you can discuss to me by call also, by message also. And copies, how you have to prepare that, already I have explained you, and three copies you have to make, one for the history, geography and the civics. Okay, and that written work also I am providing to you with the exercise also. So exercise no need to do in the copy, that should be only in the book. Okay, only you have to write the question answers, short question answer and the long question answers in the fair copy, and you have to keep your copy neat and clean, because as school will reopen, definitely I will check and I will see whichever work you have completed or not. Okay, and if you have not understand anything, so what you have to do, first you have to read fully chapter, okay, then you have to listen to me, okay, उसके बाद मुझे सुनना है कि मैंने क्या समझाया है, ठीक है। वन टू टाइम आप सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मैम इज टेलिंग, व्हाट मैम इज एक्सप्लेनिंग टू यू। ओके, सो हियर आवर चैप्टर हैव कंप्लीटेड, सो वेरी सून आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर एंड द एक्सरसाइजेस ऑफ इट। सो
till that same stay at your home, be safe, be happy, be aware for your studies, okay? And definitely we will start next chapter of geography. So next class we will read that chapter, okay?